नारायण 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल प्रसंग को विराम दिया था। सरल सुजात जी ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं। ये जो ब्रह्म विद्या का उपदेश है, जैसे कल मैंने बताया, भले धृतराष्ट्र इसका अधिकारी नहीं है, पर विदुर जी वहां बैठे हैं, तो फिर भी एक श्लोक में धृतराष्ट्र को भी कहेंगे। और वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग भी अधिकारी नहीं हैं। जैसे धृतराष्ट्र है, भले हम लोग अंधे नहीं हैं, पर चर्म चक्षुओं के अंधे को ही अंधा नहीं कहा गया है। शास्त्र में तो जो अज्ञानी है वो अंधा ही है। तो इसलिए एक श्लोक आवेगा, वो नारद जी ने जो एक बात बताई नारद भक्ति दर्शन में, उस बात उस सूत्र की ओर वो श्लोक संकेत कर रहा है। नारद जी ने कहा कि पहले तो ऐसे महापुरुषों का मिलना ही दुर्लभ है। अच्छा, मिल भी लो तो हम उनको जान पावें, ये और दुर्लभ है। पर विशेषता परम पूज्य महाराज जी कहते थे प्रमेय बल की। प्रमाता यानी मैं, हम लोग जितने बैठे हैं तो हम लोग प्रमाता हैं। प्रमाण यानी शास्त्र, और प्रमेय यानी जो ईश्वर अथवा ब्रह्म है जिसको हम जानना चाह रहे हैं। तो शास्त्र और गुरु माध्यम बनते हैं प्रमेय को, ईश्वर को, ब्रह्म को जन्माने में। परमाता सोचता है कि मैं अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, या जो ज्ञान हमको शास्त्र और गुरु दे रहे हैं उससे मैं ईश्वर को या ब्रह्म को जान लूँगा, दर्शन कर लूँगा, साक्षात्कार कर लूँगा आदि आदि। भक्ति में परमाता का बल नहीं, भक्ति में प्रमेय का बल है, ईश्वर का बल है अथवा सद्गुरु का बल है। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसे तो ऐसे जो महापुरुष हैं सनत सुजात जैसे दे रहे हैं धृतराष्ट्र को विदुर जी के कहने से ब्रह्म विद्या का उपदेश, ऐसे महात्मा का मिलना ही दुर्लभ है। मिल भी जाए तो उनको हम जान पावे, ये और ज्यादा कठिन है। परंतु तीसरी बात जिसके लिए मैंने ये भूमिका बनाई, उनका स्वयं का जो, उनकी स्वयं की जो शक्ति है, प्रमेय बल कहते हैं। प्रमेय बल यानी ईश्वर का बल, ठाकुर जी का बल, ब्रह्म का, ब्रह्म में जो अचिंत्य शक्ति माया है, तो माया शक्ति तो ये सब कर रही है। तो वो जो बल है ठाकुर जी का, सदगुरु का, सदगुरु ठाकुर जी से अभिन्न है, उनके बल से ही हमारा प्राय काम बनता है। क्यों? क्योंकि हमारे बल में कुछ रखा नहीं, अज्ञान है ना यहां,
तो अज्ञान होने के कारण वो जो बल है प्रमाता का वो फेल है। तो अमोघश्च, नारद जी कहते हैं, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। अगर संपर्क हो गया, संपर्क यानी अगर दृष्टि भी पड़ गई महापुरुष की हमारे ऊपर, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। बहुत अद्भुत बात है। ये कहेंगे ज्ञानी पुरुष ब्रह्म विद्या के द्वारा इस लोक और परलोक दोनों के तत्व को जानकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि राजन यह ब्रह्म विद्या, यानी विदुर जी बैठे हैं वो बात अलग है, पर राजन यानी धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। हे राजन, यह ब्रह्म विद्या तुम में लघुता न आने दे। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से हर व्यक्ति, धृतराष्ट्र नहीं, हर व्यक्ति भाई हम इसके अधिकारी नहीं है। ब्रह्म विद्या स्वामी जी सनत सुजात सुना रहे हैं महाभारत का, हम इसके अधिकारी नहीं है। वो लघुता न आने दे तथा इसके द्वारा तुम्हें वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होवे। आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। अमोघश्च का अर्थ है कि अब जब सनत सुजात आ गए हैं धृतराष्ट्र के सामने, ऐसा नहीं कि महाभारत युद्ध नहीं होगा, ये तो सब घटनाएं जो घटित होनी है वे तो होंगी ही। पर महाभारत को उठाकर देखिए और श्रीमद् भागवत महापुराण को उठा के देखिए, धृतराष्ट्र का अंतिम समय लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। यहां ऐतिहासिक घटना है जिसमें जल जाते हैं गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती जो उनकी सेवा में गई थी, संजय को तो कह दिया गया कि तुम चले जाओ, आग लग गई। ये घटना आ चुकी है, हम लोग इसको देख चुके हैं महाभारत में। युधिष्ठिर जी को इतना कष्ट हुआ ये सुन के कि हमारी माँ और ये हमारे धृतराष्ट्र और गांधारी कुटुंबी हैं, पिताई हैं एक तरह से, अग्नि में जल के मर गए। तो बाद में उनको बताया गया कि वो अग्नि सामान्य अग्नि नहीं थी, जो प्रतिदिन यज्ञ होता था, जो यज्ञ वो वहां ब्राह्मण लोग करते थे, उस अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है और उसी अग्नि से वहां वन में आग लग गई। उस अग्नि में वे लोग सब जल के भस्मीभूत हो गए। वैसे ही चिता तो देते ही है, चिता में जलाना तो पड़ता ही है। तो ये बताया गया कि उनके लिए आप बिल्कुल शोक न करें, युधिष्ठिर को बताया विदुर जी ने। और महाभारत, सॉरी, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो बाकायदा विदुर जी उन दोनों को ले गए हैं और उन्होंने अंत में उनको जो साधना बताई है, जिस प्रकार उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो वे उनकी सदगति हो गई। तो ये सदगति का रहस्य देखिए यहां पर है। वो कह रहे हैं स्पष्ट, यह ब्रह्म विद्या तुम में लघुता न आने दे तथा इसके द्वारा तुम्हें वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। अमोघ होता है, महापुरुषों का आशीर्वाद। महर्षि ने उड़िया बाबा जी महाराज की बात कही है, कल मैंने सुनाया था, 9:30 से 10 बजे जो वहां पर मोकलपुर के बाबा के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कल या परसों मैंने इस बात को बताया था। महर्षि इस बात को कहा करते थे,
गुरु का जो सूक्ष्म शरीर है, गुरु मुक्त है, और हम लोग जो गुरु की उपासना करते हैं, हमारा जो गुरु के प्रति भाव है, उसके कारण वो ये हमारे हृदय में अंकित रहते हैं। और जब तक वो गुरु का जिनको हमने वरण किया है, सरस सुजात जैसे महापुरुष, महर्षि जैसे महापुरुष, महर्षि के शब्द हैं उड़िया बाबा के ही आधार पे, यानी शास्त्र के आधार पे, कि वो जो गुरु मूर्ति है उस जीव का जब तक कल्याण नहीं होता, कितने ही जन्म लेने पड़े, वो गुरु मूर्ति उसके साथ लगी रहती है। यानी उसकी जीवन यात्रा में अपने आप ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी। अब हम लोग इस शरीर में बैठे हैं, यहाँ हम लोगों को अपने पूर्व जन्मों का याद नहीं है, पर आज यहाँ बैठकर ये जो श्रवण कर रहे हैं उसमें हेतु क्या है, वो ये शास्त्र बताते हैं। छठे अध्याय में अर्जुन ने पूछा भगवान को कि व्यक्ति घर तो छोड़ के आ गया और इधर उसको जो प्राप्ति होनी थी तो हुई नहीं। तो जैसे मेघ से एक छोटा सा बादल का टुकड़ा अलग हो जाए तो वो हवा से छिन्न भिन्न होके खत्म हो जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी इस प्रकार की गति हो जाए। ये अर्जुन के प्रश्न में ही वो दृष्टांत देके पूछता है। भगवान ने उत्तर दिया, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, जो हमसे जुड़ गया, जो सन्मार्ग में लग गया, जो कल्याण के मार्ग में लग गया, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। ये कभी मत सोचना कि वो जो अलग टुकड़ा था वो छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे इसका भी अब न घर का रहा न घाट का, ऐसा कभी नहीं होता। महात्मा लोग दृष्टांत देके समझाते हैं, ट्रांसफर, गवर्नमेंट जॉब, बैंक जॉब। अब ट्रांसफर में आठवीं कक्षा का विद्यार्थी दूसरी जगह पे गया तो उसे ये थोड़ी कहा जाएगा कि तुम अब पहली कक्षा से शुरू करो। जहाँ तक उसने पास किया है उसके आगे उसको, ऐसे ही छठे अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान ने समझाया है, अर्जुन के प्रश्न का वहां विस्तार में उत्तर दिया है कि सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। भले इसको इस जन्म में जितना उसे करना चाहिए था नहीं किया, कल्पना करिए हमने संन्यास लिया पर हम और कामों में लग गए तो योग भ्रष्ट हो गए, यानी योग जो हमको प्राप्त होना चाहिए था उससे नीचे उतर गए, वो प्राप्त नहीं किया। भ्रष्ट का अर्थ है, जो प्रचलित अर्थ है हिंदी में, वो भ्रष्ट नहीं, योग से गिर गए, योग प्राप्त नहीं कर पाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति कह के आगे बताया कि ऐसा जो व्यक्ति है जिसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, उसको मैं पवित्र श्रीमंत के घर में जन्म देता हूँ। पवित्र का अर्थ है कि वो श्रीमंत संस्कारी है, वहां जन्म क्यों देते हैं, गरीब के उसमें क्यों नहीं जन्म देते। किसी वासना विशेष के कारण वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, वो जो भी उसकी बची खुची वासना है वो वासना वहां उसकी पूरी हो जाएगी।
आठवीं कक्षा का विद्यार्थी नौवीं में ही भर्ती होगा। तो अब वो जो वासना जो जिसके कारण उसको फिर से जन्म लेना पड़ा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, वासना जब पूर्ण हो गई तो फिर से कोई ऐसे महात्मा मिलेंगे, कोई ऐसा सत्संग मिलेगा कि वो पूर्व का जितना वो जो था उसका ज्ञान वो सब स्फुरित हो जाता है। उसको नहीं पता है कि पूर्व का है। अरे भाई, हम डॉक्टरी में थे तो हमको थोड़ी पता था कि हमको सन्यासी बनना पड़ेगा। काहे को इतना दिमाग लगाते हैं डॉक्टरी में? वहां तो महाराज दिन रात एक करने पड़ते, इससे अच्छा संस्कृत पढ़ते, अपना शास्त्रों का अध्ययन करते। ठाकुर जी की जो, ये तो मैं अपना दृष्टांत देके समझा रहा हूँ, आप अपने जीवन में देखें कि कैसे कैसे कहाँ से लाके हो ठाकुर जी ने आज आपको यहाँ वृंदावन में धाम में, जिसकी इतनी बड़ी महिमा गा रहे थे राम भैया, नाम रूप लीला धाम। बोले नाम रूप में तो ठाकुर जी को हम देखेंगे, ठाकुर जी हैं सामने, लीला में भी चलो मन लग जाता है, नाम में भी कोई कोई ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि कि नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है, पर धाम की इतनी महिमा है। मदन टेर वाले महात्मा जी के पास बहुत लोग, माता जी भी जाती थी, हमारी वकील साहब के घर से तो वो वहीं जाती थी, बाद में यहाँ आना शुरू किया। वो गजब की महिमा सुनाते, हमारे हीरालाल जी आज आए थे सुबह, वो तो वहीं जाते हैं प्रतिदिन। भक्ति की अगर कथा सुननी हो वृंदावन में, वो ऐसा स्थान है। प्रेमानंद जी महाराज YouTube में भी दे रहे हैं, उनका प्रतिदिन का आ रहा है। धाम की महिमा हम लोग जानते नहीं हैं। यहाँ कुछ करो भी नहीं, महाराज जी के शब्द सुना रहा हूँ, धाम में पड़े हो तब भी कल्याण हो जाएगा, इतनी गजब की महिमा है धाम की। तो हम लोग, कहने का अर्थ यह है कि यहाँ तक पहुँच गए, उस पहुँचाने में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं इस जन्म की तो हमको पता है। किसी किसी को हो सकता है कि पूर्व जन्म का भी, बहुत दुर्लभ है वो, जैसे जड़ भरत को पता था कि मैं हरिण बना, उसके पहले मैं राजा भरत था, वो उस प्रकार की स्मृति बहुत पहुँचे हुए महापुरुषों को देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने इतना ही नहीं कहा, सूची नाम श्रीमताम गे है अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमता। समझो कि वासना नहीं है या कोई मामूली सी नाम मात्र की वासना थी। अब वो श्रीमान के घर में जन्म लेने की क्या जरूरत है, बोले योगियों के घर में जन्म लेता। सुखदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, व्यास जी के यहाँ। योगियों के घर में जन्म देते हैं जो बहुत पहुंचे हुए। तो निश्चिंत किया, छठे अध्याय के माध्यम से हम सबको निश्चिंत कर रहे हैं कि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि यह ब्रह्म विद्या तुम में लघुता न आने दे, तथा यानी अपने को कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हैं। परम पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि अपना घर, ये जो स्वरूप जो है हमारा सच्चिदानंद ब्रह्म, वो हमारा घर है। तो घर पे हम बाहर से आए और घर के बाहर लिखा है कि बिना इजाजत अंदर आना मना है, तो वो किसके लिए है? घर के मालिक के लिए थोड़ी है। तो इसलिए जो ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा घर है, इसमें हम सब अधिकारी हैं। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री कभी किसी को मना नहीं करते थे कि भाई तुम हमारे सत्संग में मत बैठो,
उनको पता था कि वो तो भक्ति पर भी बोलते थे, वेदांत पर भी बोलते थे, धर्म पर भी बोलते थे, तो इसका जो अधिकार है उसके अनुसार वो अपना ले लेगा, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। उड़िया बाबा जी महाराज को करना पड़ता था, क्यों? क्योंकि उनका जो वेदांत का जब वो बोलते थे तब सामान्य भक्त अगर सुनेंगे तो वो अपनी भक्ति की साधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबा में तो श्रद्धा है। इसीलिए एक वो संस्मरण सुना देता हूँ महाराष्ट्र का। एक माता जी पहुँच गई महाराष्ट्र के पास विपुल में, जहाँ महाराष्ट्र रहते थे, क्योंकि वो प्रेमपुरी में वहाँ प्रवचन सुनती थी, सुबह भी जाती थी शाम को भी जाती थी। अब सुबह चूंकि वेदांत प्रधान होता था महाराष्ट्र का प्रवचन, तो माता जी का ध्यान गया। उस दिन महाराष्ट्र ने न स्वर्ग है न नरक है न मुक्ति है न बंधन है वेतथ्य प्रकरण की कारिका पर बोल रहे थे, न निरोधो न उत्पत्तिर न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वही मुक्त इतिशा परमार्थता। अब वो जैसे कारिका है वेदांत के प्रसंग में वैसे व्याख्या करनी पड़ती है, तो निषेधात्मक जब सुना तो बेचारी का सिर चकराया, क्योंकि अब तक तो स्वर्ग नरक ये सब, नरक से हम न जाएं, नरक में स्वर्ग में जाएं आदि आदि साधना उसी के आधार पे होती है। सबका जब निषेध कर दिया न बंधन है न मोक्ष है, तो बोले महाराज जी आज आपने ये क्या कहा। महाराज जी समझ गए। महाराज जी बोले कि ऐसा है कि सुबह तो हम गप लगाते हैं, तुम शाम को हमारे प्रवचन में आया करो। शाम को महाराज जी भक्ति का प्रवचन करते थे, तो बोले शाम को तुम आया करो। तो कहने का अर्थ ये है कि यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके द्वारा तुम्हें वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। प्रसंग वसात आगे का श्लोक मैंने बता दिया, 17वां श्लोक। हम लोग कल 5वें श्लोक पे विराम दिए थे। सनत सुजात जी कह रहे हैं कि ये जो अचिंत्य माया शक्ति है इसमें पातनी शक्ति से जो हमारा पतन करने में हेतु है उससे बचना है, पावनी शक्ति जो है तो कठोपनिषद में 7 श्लोकों में विस्तार में इसका वर्णन आया है। यहाँ एक ही श्लोक में सनत सुजात जी बता रहे हैं कि इस शरीर को रथ का रूपक दिया है और ये जो इंद्रियां हैं ये इस रथ को खींचने वाले घोड़े हैं। जो लगाम है घोड़े की उसको मन कहा है, रूपक है शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, और लगाम किसके हाथ में है? सारथी के हाथ में। सारथी कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि के हाथ में यानी सारथी के हाथ में मन रूपी लगाम, ध्यान से सुनिएगा। अब वो जो मन रूपी लगाम जो कि घोड़े लगाम से बंधे हुए हैं इंद्रियां, और ये शरीर जो कि रथ है उसकी यात्रा हो रही है, पर यात्रा में वो जो सारथी है उस रथ का मालिक कौन है, यात्रा कौन कर रहा है? जीव। तो इस पूरे के पूरे जिस शरीर को लिए हम बैठे हैं कठोपनिषद में इसको पूरा रूपक दे दिया है,
और ये यात्रा हमारी चल रही है। अब कल्पना करिए कि इंद्रियां यानी कि घोड़े और लगाम यानी कि मन, अगर ये प्रधान हो जाते हैं और सारथी गौण हो जाता है बुद्धि, जिसमें भले हम ये सत्संग की बातें सुन तो रहे हैं पर अगर हम इन बातों को जीवन में नहीं उतार पाते तो मन और इंद्रियां अर्थात घोड़े और लगाम अब वो सारथी के काबू में नहीं है। तो उन सात मंत्रों में कठोपनिषद में बताया है कि ऐसा जो रथ है यानी ये जो जीव की यात्रा, वो जीव कहाँ जाएगा, घोड़े जो हैं वो हरियाली देख के, अपनी घास देख के, अपना विषय देख के, इंद्रियां विषयों को, विषयों के पीछे जाती हैं इंद्रियां। तो घोड़े अगर मार्ग को छोड़ दे और उधर की ओर चले जाएं तो ये जो रथ है वो गड्ढे में गिर जाता है। ठीक इससे विपरीत ये तो पातनी शक्ति है, पावनी शक्ति में क्या है वो बता रहे हैं पांचवें श्लोक में। पावनी शक्ति में यह है कि कर्म संस्कार से युक्त मन में जुटे हुए इंद्रिय रूप घोड़े उस हृदयाकाश में स्थित ज्ञान स्वरूप दिव्य अविनाशी जीवात्मा को जिस सनातन परमेश्वर के निकट ले जाते हैं। पावनी शक्ति की यह विशेषता है कि सारथी में जो संस्कार है तो वो संस्कार मन में भी दिए गए यानी लगाम भी मजबूत है, धर्म के अनुकूल है, इंद्रियां भी जैसा उनको सेवन करना चाहिए धर्म के नियंत्रण में। अब ये यात्रा जो है ये ठीक चलेगी। उसी को कह रहे हैं सन सुजात कि जीवात्मा को जिस सनातन परमेश्वर के निकट ले जाते हैं तो ये क्या है, सत्संग में बैठ के ये सब श्रवण करना, ये उधर की ओर हमारा प्रयास है। और उससे होगा क्या, बोले कि योगी जन वो साक्षात्कार करते हैं। नारायण 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 नारायण, श्री राम जय राम जय जय राम। आगे आ जाइए पुरुषोत्तम जी, कुछ लोग आए हैं आश्रम से क्योंकि कल से आराधन उत्सव है तो जिन लोगों को पता लग जाता है कि यहाँ 7:30 बजे, और जिन लोगों के पास सुविधा है तो आने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारा प्रसंग जो चल रहा है वो यह है कि उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता। बहुत ध्यान से सुनना एक एक पंक्ति सनत सुजात, ये मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पांचवा अध्याय यहीं पे पूरा हो जाएगा, फिर महाभारत का प्रसंग चलेगा आगे। पर चूंकि ये ज्ञान का प्रसंग है इसलिए थोड़ा श्लोकों पर व्याख्या करनी पड़ रही है। ध्यान से सुनेंगे तो इतना कठिन नहीं है आप लोगों के लिए। उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता। वो जो परमात्मा है वो परिपूर्ण है, अद्वितीय है, वहां दूसरा कोई है ही नहीं कि तुलना की जा सके। इसीलिए जब अवतार भी लेते हैं तो राम 12 कला के परिपूर्ण है, कृष्ण 16 कला के परिपूर्ण है, पूर्ण अवतार है ये राम और कृष्ण। तो ऐसे ही परमात्मा शब्द जहां भी प्रयोग करें, चाहे वो शिव जी के लिए प्रयोग करें, चाहे देवी के लिए प्रयोग करें, हमारे जो भी इष्ट देवता है उनकी तुलना नहीं है। भगवान ने ये जो बुद्धि दी है ये हमेशा तुलना करती रहती है। हम तिरुवन्नामलाई में थे, सीए पास
एक बहुत उच्च कोटि के साधक का परिचय हमारे मित्र फणिराज ने करवाया। कई वर्ष अमेरिका में रहे और वहाँ तिरुनामलाई में आके रमण महर्षि को मानते रहे, तो गृहस्थ आश्रम में गए नहीं, अकेले थे, परिवार का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर वहाँ अकेले ही अपनी साधना करते रहे। बहुत अच्छा बंगलो वहाँ बना लिया और अकेले रहते थे, बाहर कहीं जाते ही नहीं थे, इतना एकांत प्रिय, भजन प्रिय व्यक्ति। और फणिराज जी के मित्र थे, इसलिए उन्होंने हमको तिरुवनमलाई में रहना था, परिचय करवा दिया। उनको भी अच्छा लगा, स्वामी अखंडानंद जी महाराज के शिष्य हैं। एक दो बार फिर परिचय करवाने के बाद जाना हुआ, सोच के कि कुछ सत्संग होगा, और हुआ भी। अंदर प्रवेश करते ही बहुत सुंदर अपने गुरु महाराज का चित्रपट रखा था, आगे दिया जल रहा है, हम भी जाके प्रणाम करते, बैठ जाते, सत्संग करते। सत्संग में बातें करते 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 सत्संग की बातें, एक बात हमको समझ में आई कि ये जो साधना कर रहा है इसके हृदय में रमण महर्षि से बढ़कर कोई नहीं है। हम जब महाराष्ट्र का कोई संस्मरण सुनाते तो उनको लगता कि वो तो कोई होंगे, उस प्रकार से उनका जो भाव हमने देखा। हम तो उनके गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, पर उनका जो भाव देखा कि महर्षि की कोई बात भी सुनाओ तो उसकी उपेक्षा, तो ये जो परमात्मा है इसकी तुलना में कोई नहीं। उनके भाव की हम निंदा नहीं कर रहे हैं, पर हमेशा ये बात बार बार हमको महात्मा लोग समझाते हैं, अपने इष्ट का आदर करिए, अपने सद्गुरु का आदर करिए, पर ये भी ध्यान रखिए कि किसी और के इष्ट का अथवा सद्गुरु की उपेक्षा या किसी प्रकार से अपमान न होवे। ये बात बिल्कुल सही है कि परमात्मा की तुलना में कोई नहीं है। उनके लिए उनके सद्गुरु अगर परमात्मा हैं तो वो ठीक है, उनको वो अधिकार है कि वो ही सब कुछ है। इसीलिए महाराज का एक वाक्य इतना सुंदर है, सद्गुरु अथवा इष्ट के प्रति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सद्गुरु अथवा इष्ट के प्रति यही भाव रहना चाहिए कि वे ही सब रूपों में है, जितना जो कुछ पसारा है वो सब हमारे सद्गुरु का ही है। तो फिर अगर हम उनके साथ सत्संग कर रहे हैं तो हमारे लिए हमारे जो सद्गुरु हैं तो हम तो उन्हीं का पसारा देख रहे हैं पूरा का पूरा। तो हमारे लिए तो वो जो रमण महर्षि हैं वो भी हमारे सद्गुरु के ही रूप हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। क्या कह रहे हैं संत सुजान, उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता, क्योंकि तुलना के लिए दूसरा कोई है ही नहीं। तुलना में तब आवेगा जब कोई दूसरी वस्तु रहेगी, तब वह तुलना करना बनेगा। ये अगर सिद्धांत हम नहीं पकड़ पाते तो वैदिक सनातन धर्म का सिद्धांत ही हमको पता नहीं है कि असलियत क्या वस्तु है। तो हम भी राग द्वेष में, निंदा स्तुति में और खंडन मंडन में लगे रहते हैं। ये अद्वैत वेदांत का जो सनत सुजात उपदेश कर रहे हैं, भेद बुद्धि का सर्वथा निरसन,
बुद्धि करती क्या है? भेद, भेद क्या करता है? निंदा स्तुति, राग द्वेष। और ये राग द्वेष वाला व्यक्ति स्वप्न में भी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। जागृत की बात छोड़िए, सबसे पहला राग द्वेष शिथिल करो, राग द्वेष शिथिल करो, वैराग्य वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि महात्मा बाबा जी बन जाओ। वैराग्य का अर्थ है कि राग द्वेष शिथिल करो। कितनी बढ़िया परिभाषा वैराग्य की महाराष्ट्र ने की है, कल लेके आऊंगा मैं, वो पढ़ के सुनाऊंगा, बहुत जबरदस्त। इसलिए परमात्मा के लिए कह रहे हैं, 6 मिनट है हमारे पास, उसे कोई चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। बहुत ध्यान से सुनना महाराज, हमारे गुरु जी को ठाकुर जी का दर्शन हुआ था, चर्म चक्षुओं से नहीं, दिव्य चक्षु। आगे कह रहे स्वयं सनत सुजात, जो निश्चयात्मिका बुद्धि से, मन से और हृदय से उसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। ठाकुर जी कृपा करके दिव्य चक्षु देते हैं। 10वें अध्याय में अर्जुन ने जब सुना कि भगवान ने जब अपना स्वरूप बताया कि ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी, यानी कुछ छोड़ा ही नहीं, तो अगर आप ये सब हैं, वो सारथी के रूप में है भगवान, क्या आप इसी शरीर में अपने को दिखा सकते हैं कि ये मैं सब हूं? अर्जुन का प्रश्न है 11वें अध्याय के आरंभ में। 10वें अध्याय तक ये तो पता लग गया कि ये भगवान है, पर क्या ये संभव है? अब देखिए, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं, तो अगर वो चर्म चक्षु से देखता तब तो सबको दिखता। भगवान ने शुरू कर कह दिया कि हाँ, तुम देख सकते हो, इसी सारथी रूप में, विश्व रूप में दिखा सकता हूं तुमको, और कहना शुरू कर दिया कि देखो ये देखो ये देखो, और उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तब भगवान को ध्यान आया तो बोले, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, इन चक्षुओं से तुम नहीं देख पाओगे, मैं अब प्रमेय बल यानी ईश्वर की अचिंत्य शक्ति, माया शक्ति, अब मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। उसको दिखने लगा, घबरा गया बेचारा विश्व रूप देख के। वो अलग है प्रसंग, चर्म चक्षुओं से परमात्मा को कोई नहीं देख सकता। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं, ये पंक्ति प्रत्येक श्लोक में आई है। 3 मिनट में एक बात और सुन लीजिए। अगले श्लोक में, 7वें श्लोक में कह रहे हैं सनत सुजात कि ये जिस शरीर को लिए हम लोग बैठे हैं ये परमात्मा से सुरक्षित है। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, है ना, क्योंकि ये यहाँ सब ठीक ठाक है, परशुराम जी करके यहाँ आते थे महाराज, बस रोड क्रॉस कर रहे थे और यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई और अभी तक पड़े बिस्तर में पड़े, कुछ होश आवास नहीं। ये परमात्मा से सुरक्षित है हर क्षण, तब हम ये सब कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, खा पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। उस संसार रूप भयंकर नदी के विषय रूप मधुर जल को देखने और पीने वाले लोग उसी में गोता लगाते रहते हैं, ये विडंबना है, क्योंकि जिस शक्ति से हम सुरक्षित हैं उस शक्ति को तो हमने पूर्णतया भुला दिया, और ये जो माया का जो संसार है, इस संसार में, यहाँ के लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, जो बैठे हैं लोग लगे हैं
उसी मधुर जल को देखने और पीने वाले, मधुर जल क्यों कहा? विषय रूप मधुर जल, विषय उनको बहुत प्यारे लगते हैं। एक छोटा सा संस्मरण सुना देता हूँ, एक दो मिनट ज़्यादा ही हो जाएगी। दिल्ली से बहुत मित्रता होने के कारण, यद्यपि उसको अध्यात्म में कोई रुचि नहीं थी, पर ये व्यक्ति तो आता था वृंदावन और उसकी अध्यात्म में बहुत रुचि। कभी कभी ऐसी मित्रता हो जाती है तो चाह रहा है कि ये भी व्यक्ति चले तो सही वृंदावन हमारे साथ, तो उसको उसका आनंद आवेगा। पर अब वो जो ले तो आया, पर वो जो जिसकी रुचि नहीं है उसकी क्या स्थिति है, उसका महात्मा लोग वर्णन करते हैं दृष्टांत देके। गोबर में कीड़े व्यक्ति ने देखे अपने घर में ही, पीछे की ओर गाय बंधी थी गांव में, आप देख रखे हैं, तो उसमें गौशाला में गोबर में कीड़े बिलबिला रहे थे। लगा उसको व्यक्ति को कि बड़े कष्ट में है, धर्म पत्नी से कह के हलवा बनवाया और हलवा जब थोड़ा ठंडा हो गया तो उन कीड़ों को लेकर और उस हलवे में कि अब ये बड़े आनंद में रहेंगे। हुआ क्या, वो कीड़े जो गोबर में थे जैसे ही हलवे में रखा थोड़ी देर तो बिलबिलाए और फिर सब मर गए। अब वो मित्र को दिल्ली से ले तो आया, पर उसके लिए तो वो हलवे वाली बात हो गई, वो तो वहां गोबर में ही बड़ा प्रेम में आनंद में था। उसी को कह रहे हैं कि विषय रूप मधुर जल को देखने और पीने वाले लोग उसी में गोता लगाते रहते हैं। तो महाराज अगर ये भयंकर नदी दिया है, संसार रूप भयंकर नदी के विषय रूप मधुर जल को, मधुर जल को यानी उसको बेचारे को पता ही नहीं, वो तो गोबर में ही आनंदित है वो जो कीड़ा है, पर अब सचमुच में अगर उसको मुक्त करना हो, ये तो दृष्टांत है, यानी सचमुच में ये जो शरीर का, क्योंकि शुरू में क्या है, जो 10 इंद्रियां मन और बुद्धि इन 12 के समुदाय से युक्त तथा जो परमात्मा से सुरक्षित है हम लोग, तो हम लोगों को मुक्ति चाहिए। और अब हमको ये भी समझ में आ गया कि सचमुच में सत्संग ही हमारा कल्याण का मार्ग है। उस मित्र की बात छोड़ दीजिए, है ना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि इससे मुक्त करने वाले कौन, सद्गुरु अथवा परमात्मा, उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। अर्थात गुरु के साथ लगे रहो, आज का आनंद रत्नाकर में आया, हरि से लागा रहो रे भाई तेरी बनत बनत बन जाए। नारायण 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 नारायण। भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।